महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में चल रहा नेशनल श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का खेल समाप्त हो गया। ये टूर्नामेंट 25 लाख रुपए से ज्यादा धनराशि का था। प्रदेश का अब तक का शतरंज के मामले में सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट में सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आर के सचदेवा का सबसे बड़ा सहयोग और शानदार आयोजन रहा। महाराजा अग्रसेन भवन लोहामंडी में प्रदेश का सबसे बड़ा धनराशि वाला शतरंज का खेल समाप्त हो गया। 4 अगस्त से शुरू हुए श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का खेल समाप्त हो गया। 8वें दिन मुख्य अतिथि के रूप में श्री रतन मुनि इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल वशिष्ठ ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। इस अवसर पर सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन राजेंद्र सचदेवा, टूर्नामेंट डायरेक्टर धवल सचदेवा, पुलकित सचदेवा के अलावा टूर्नामेंट से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। श्री धनपत राय सचदेवा जी के स्मृति में यह चेस फेस्टिवल था। इसमें पूरे देश भर से प्लेयर्स आए थे और बच्चे से लेकर और काफ़ी सीनियर प्लेयर्स तक यहाँ उपस्थित हुए थे। इतना बड़ा टूर्नामेंट ये था कि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा टूर्नामेंट, इतनी ज़्यादा प्राइज मनी थी, 26,57,000 प्राइज मनी थी। बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता रही, बहुत ही सक्सेसफुल रही। ये अभी तक की यूपी की सबसे बड़ी चेस टूर्नामेंट था। 26,57,000 रुपीज़ का ये प्राइस फंड था, दो कैटेगरीज में हुआ था। आज इसका समापन है, ये 4 तारीख से चल रही थी, आज 11 तारीख को लास्ट ये समापन हुआ है। प्रतियोगिता तो बहुत सफल रही और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतनी बड़ी प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में करा पाए। और जिस तरीके के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने आज टोटल 13,28,000 का इस टूर्नामेंट का प्राइस दिया और 8 तारीख वाले टूर्नामेंट कैटेगरी में भी 13,28,000 का प्राइस था। श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता में भारत के अलावा अन्य 8 देशों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। 8 देशों से 1,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने अपना अपना जलवा दिखाया। चमचमाती ट्रॉफीज जो आज यहाँ वितरित की गई है विनर्स को, बहुत अच्छा टूर्नामेंट 10 दिन का ये आयोजित हुआ और सचदेवा जी ने आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से चेस के क्षेत्र में एक अच्छी भूमिका निभाई है। मुझे आशा है जो इस टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है वे आगे चल के बहुत ऊंचे स्तर पर खेलेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1,101 प्लेयर ने इसमें पार्टिसिपेट किया इन टोटल दोनों कैटेगरीज को मिला के, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया और लोग बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे टूर्नामेंट्स करवाते रहेंगे। तो इतना बड़ा प्राइज फंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मिलने से प्लेयर्स में भी बहुत उत्साह है, वो काफ़ी खुश हैं और इस टूर्नामेंट का जो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स का एक्सपीरियंस उनका रहा है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जितनी मेहनत की उसकी सफलता हमें आज मिली है। ये टूर्नामेंट प्राइज मनी के मामले में प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था जिसमें 25 लाख रुपये से ज़्यादा का नकद प्राइज दिया गया। टूर्नामेंट के अंदर एज का कोई प्रतिबंध नहीं था, 5 साल के बच्चे से लेकर 94 साल तक के व्यक्ति ने भाग लिया। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश शतरंज एसोसिएशन का बड़ा सहयोग रहा। एसोसिएशन की तरफ से आयोजन कराया गया था, लेकिन दूसरी तरफ इस शानदार आयोजन में जिसमें रहना खाना घूमना फिरना सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आर के सचदेवा का बड़ा रोल रहा है। सचदेवा परिवार के मुखिया और सचदेवा मिलेनियम स्कूल के चेयरमैन आर के सचदेवा जब भी किसी आयोजन की जिम्मेदारी लेते हैं तो वह आयोजन ऐतिहासिक बन जाता है। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।